नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश विशेषकर लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी करने की उम्मीद लगाए बैठे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अक्टूबर 2018 में ही प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन मंगाए जा सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में पिछले 2 साल से पीएचडी दाखिले नहीं हुए हैं। कारण यूजीसी के रेगुलेशन या ऑर्डिनेंस 2016 को राज्य विश्वविद्यालय के लिए अनुपालन किया जाना जरूरी था, जिसके चलते विश्वविद्यालय के अध्यादेश में संशोधन किया जाना नितांत आवश्यक हो गया था। संशोधन की प्रक्रिया यानी कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश में संशोधन की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि 2016 के यूजीसी रेगुलेशन को संशोधन करने में लखनऊ विश्वविद्यालय 2 साल लगा दी, यानी कि अब अक्टूबर 2018 में लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यादेश में संशोधन किया जा रहा है। चूंकि विश्वविद्यालय के अध्यादेश में संशोधन किया जाना इतना अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है कि जैसे कि एकेडमिक काउंसिल की बैठक होगी, फिर कार्य परिषद की अनुमति ली जाएगी, फिर उसके बाद में विश्वविद्यालय के चांसलर यानी गवर्नर से अनुमति लेने के लिए भेजी जाएगी, फिर चांसलर से साइन होने के बाद, चांसलर से तात्पर्य यहाँ पर गवर्नर से साइन होने के बाद ही नोटिफिकेशन जारी होगा। चांसलर से अनुमति मिल गई, इसके बावजूद भी पीएचडी दाखिल के लिए के विश्वविद्यालय अपनी तैयारी करेगी, जैसे किस विभाग में और किस गाइड के पास कितने सीट्स रिक्त हैं, दाखिले ऑनलाइन लेने हो तो वेबसाइट के लिए प्रोग्रामिंग भी किया जाना है, उसके लिए एजेंसी तय करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में आपका पेपर सेटिंग या परीक्षा की जो मोड है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा या सब्जेक्टिव टाइप का होगा या दोनों होगा, इस तरह का भी उन्हें निर्धारण करना पड़ेगा। हालांकि ऑर्डिनेंस में इसका उल्लेख जरूर होता है। साथियों, एक बात जरूर याद रखिएगा कि चाहे कोई भी विश्वविद्यालय हो, विश्वविद्यालय गवर्न होती है उनकी अपनी अध्यादेश से। बिना अध्यादेश का विश्वविद्यालय एक कदम भी नहीं चल सकती। इसलिए जो भी बात, चाहे वो पाठ्यक्रम की बात हो, मोड ऑफ सेलेक्शन की बात हो, एग्जामिनेशन लेने की बात हो, तो आपको यदि इस बारे में देखना हो, जानकारी प्राप्त करना हो, उस विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस को देखिए और हर ऑर्डिनेंस हर विश्वविद्यालय के वेबसाइट में अपलोड रहती है। तो आप सबसे पहले जिस विश्वविद्यालय में भी आप पीएचडी करना चाहते हैं या एमफिल करना चाहते हैं, वहाँ के ऑर्डिनेंस जरूर देखें। यहाँ पर देखिए, हम इस हेडिंग को, समाचार को पूरा पढ़ते हैं, फिर हमको समझ आएगा, पूरा चीज़ें पढ़ लेते हैं एक बार। जो है देखिए, हेडिंग लिखा हुआ है, लखनऊ विश्वविद्यालय पीएचडी अध्यादेश पर 22 को लगेगी मुहर, यानी कि आज 18 है, 4 दिन बाद जो एकेडमिक काउंसिल है और कार्य परिषद है उसके सामने पीएचडी ऑर्डिनेंस जो है रखी जाएगी, वहाँ पर बहस होगी, फिर उस दिन पारित होगी। इसके लिए जो कार्य परिषद की जो बैठक होगी वो कुलपति महोदय ने आपातकाल के रूप में उनको जो है आमंत्रित किया है, मतलब आपात बैठक बुलाई है। आपात बैठक से हमारा तात्पर्य ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, समझ लीजिए विश्वविद्यालय को वो मंत्रिमंडल है, जैसे कैबिनेट की बैठक होती है सरकार की, वैसे ही विश्वविद्यालय में एग्जीक्यूटिव काउंसिल अर्थात कार्य परिषद की बैठक होती है, और उस कार्य परिषद की अध्यक्षता जो है वाइस चांसलर करते हैं। लेकिन उस कार्य परिषद में जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो विशिष्ट तरह के व्यक्ति होते हैं, जैसे कि उस राज्य के, राज्य विधानसभा के 5 सदस्य होते हैं, मतलब एमएलए लोग होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमपी होते हैं, उसके अलावा सोशलिस्ट होते हैं, उसके अलावा एनजीओ के जाने माने विद्वान व्यक्ति होते हैं या किसी विषय विशेषज्ञ होते हैं, फिर उसके बाद में विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं, और उनके माध्यम से
यो मामले पर जो है बहस होती है और बहस के बाद में बहुमत के आधार पर पारित किए जाते हैं। तो ये है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल यदि वो निर्णय ले लिया तो विश्वविद्यालय के लिए वो अनिवार्य हो जाता है। कार्यपरिषद का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है और कार्यपरिषद के निर्णय को ही जो है गवर्नर अनुमति देती है। बिना कार्यपरिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अनुमति को जो है गवर्नर साहब जो है इसमें इंटरटेनमेंट नहीं करती है। पूरा पढ़ लेते हैं समाचार को जो है। लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी करने की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। विश्वविद्यालय ने पीएचडी अध्यादेश पर मुहर लगाने के लिए 22 अक्टूबर को एकेडमिक काउंसिल की बैठक बुलाई है। उसी दिन इसे कार्यपरिषद में भी पास कराया जाएगा। इसके बाद विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया शुरू करेगा। अब इसका एजेंडा तैयार किया जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में पिछले 2 साल से पीएचडी के दाखिले नहीं हुए हैं। सभी राज्य विश्वविद्यालयों के लिए यूजीसी अध्यादेश 2016 लागू करने का शासनादेश जारी होने के बाद प्रवेश के लिए रास्ते खुल गए। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पीएचडी ऑर्डिनेंस और दाखिले के लिए नियम तय करने के लिए प्रति कुलपति प्रोफेसर यूएन द्विवेदी, प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर अनिल मिश्रा, कुल सचिव शैलेश शुक्ला को शामिल करते हुए 3 सदस्यीय समिति बना दी है। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं कि पीएचडी जो प्रवेश परीक्षा का रास्ता जो है वो खुल गया है, मतलब पटरी में आ गई है। इस समिति ने नियम तय करके अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसके आधार पर अब पीएचडी अध्यादेश पास कराया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दाखिले के नियम क्या है उसको देख लेते हैं। प्रवेश समिति में तय होंगे दाखिले के नियम। फिर उसके बाद में मैंने जैसे बताया कि मान लीजिए अटेंडेंस पारित हो गया, उसके लिए एक प्रवेश समिति बनेगा, वहाँ से दाखिले के नियम फिर बनेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल और कार्यपरिषद में अपने पीएचडी अध्यादेश पास कराएगा। इसके बाद दाखिले के नियम प्रवेश समिति तय करेगी। 22 अक्टूबर को पीएचडी अध्यादेश पास होने के बाद प्रवेश समिति की बैठक बुलाई जाएगी। प्रवेश समिति में उन बिंदुओं को शामिल किया जाएगा जिस पर यूजीसी के ऑर्डिनेंस में विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है यूजीसी के ऑर्डिनेंस में बहुत सारे बातें नहीं लिखा रहता, तो विश्वविद्यालय खुद स्वयं अपने नियम बनाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि यूजीसी ने यदि अध्यादेश में कोई विवरण नहीं दिया हुआ है तो हम भी विवरण नहीं देंगे, बल्कि विश्वविद्यालय अपनी प्रक्रिया अपनाएगी, जिसके कारण से आप जो है अलग अलग विश्वविद्यालय का अलग अलग नियम प्रक्रिया दिखाई देती है। पात्रता के कई नियम है। यूजीसी के पीएचडी अध्यादेश के बिंदु क्रमांक 10.2 के अनुसार महाविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग के शिक्षक, केंद्र राज्य सरकार की प्रयोगशालाएं और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के शिक्षक ही पीएचडी कराने के लिए पात्र होंगे। कार्यपरिषद में अध्यादेश पास होने के साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन कॉलेज और विभागों से उनके यहाँ के पीएचडी सीट संख्या मांगेगा। इसके आधार पर ही पीएचडी का विज्ञापन निकालकर प्रवेश परीक्षा शुरू की जाएगी। एक शिक्षक के दिशा निर्देशन में शोधार्थियों की अधिकता संख्या तय करने में अब एमफिल पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाएगा। कॉलेजों में एमफिल नहीं होती है, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ विभागों में इसकी पढ़ाई होती है, इसलिए नए गाइडलाइन के अनुसार इनको कुल संख्या में शामिल किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, पीएचडी दाखिले के लिए विश्वविद्यालय ने तैयारी पूरी कर ली है, यानी कि जो प्रवक्ता हैं, जो अधिष्ठाता है प्रोफेसर एन के पांडे, वो कह रहे हैं कि पीएचडी दाखिले के लिए विश्वविद्यालय ने तैयारी कर ली है। ऑर्डिनेंस तैयार करने के लिए 22 अक्टूबर को एकेडमिक काउंसिल और इसी दिन कार्यपरिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। ऑर्डिनेंस पास होने के बाद पीएचडी के आवेदन फार्म जारी कर दिए जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे जिम्मेदारी भी दी गई है। प्रोफेसर राजकुमार सिंह को प्रति कुलपति की जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय में बुधवार को प्रशासनिक फेरबदल कर दिया गया है। अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर राजकुमार सिंह को अब प्रति कुलपति की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रति कुलपति प्रोफेसर यूएन द्विवेदी के सेवानिवृत्त होने की वजह से प्रति कुलपति का पद खाली हुआ है। प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह को नया अधिष्ठाता छात्र कल्याण बनाया गया है। इसके अलावा भी कई प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। जैसे कि लखनऊ प्रवक्ता प्रोफेसर एन के पांडे ने बताया कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट निर्देशन की जिम्मेदारी प्रोफेसर ध्रुवसेन सिंह के स्थान पर अब प्रोफेसर आर के मिश्रा निभाएंगे। विश्वविद्यालय अब सोशल मीडिया पर भी नज़र आ सकती है। इसके लिए प्रोफेसर पवन अग्रवाल को सोशल मीडिया इंचार्ज की भूमिका भी दी गई है। उनके पास विश्वविद्यालय के सोशल मीडिया में बेहतर छवि बनाने की जिम्मेदारी है। इस तरह की समाचार है, लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए बहुत अच्छी खबर है, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में
अभी लखनऊ विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है लखनऊ विश्वविद्यालय का, जहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति भी दिए हैं। आप जानते होंगे संकल दयाल शर्मा जी लखनऊ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट भी रहे हैं, वहाँ के टीचर भी रहे हैं, वहीं के प्रोफेसर हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर थे। तो आप ऐसे यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करेंगे, एमफिल करेंगे, तो बेहतर परफॉर्मेंस आपका रहेगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस बना रहेगा। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, प्रतीक्षा खत्म होने वाली है, अक्टूबर के लास्ट वीक में लखनऊ विश्वविद्यालय के पीएचडी दाखिले के आवेदन मंगाए जा सकते हैं, नहीं तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आ ही जाएगा। चूँकि जब भी पीएचडी कराई जाती है तो समय अवधि के अनुरूप यदि पीएचडी प्रवेश परीक्षा ली जाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि पीएचडी कोर्स वर्क भी समय पर होगा और पीएचडी के जो कार्य है वो भी समय के अनुसार संचालित होंगे। इसीलिए हमने इस समाचार को पढ़ने के बाद आपको हमने प्रस्तुत किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।